हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टाटा इंट्रा V10 के बारे में, उसका टाइम कैसे सेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्लस्टर मीटर के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको किलोमीटर का आ जाता है, यहाँ पे आपको डेप्थ की आ जाता है, टेम्परेचर और डेप्थ का आ जाता है, और उसके बाद एक टाइम और एक किलोमीटर, उसके बाद फ्यूल इंडिकेशन आ जाता है, फ्यूल का तेल का जाता है, बैटरी का जाता है, और चेक इंजन लाइट। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्लस्टर मीटर में देखना होगा कि हमारे टाइम को कैसे सेट करना है। हमें टाइम को सेट करने के लिए हमारे पास एक ही बटन है जो कि ये है, इसको हमें 3 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। फिर हमारा टाइम देख सकते हैं, ब्लिंक हो रहा है। इस तरह से ब्लिंक होने के बाद हमें 1 सेकंड के लिए रुक के फिर इसको दोबारा 3 से 5 सेकंड के बाद, फिर हमारा टाइम सेट ब्लिंक करने लग जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी 2 बजे हैं तो हम 2 बजे तक एडजस्ट कर देंगे। तो उसके बाद फिर हमें 3 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। फिर उसके बाद ये अगले में सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें फिर इसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट कर देंगे, जैसे 2-1 हो गए, अभी हम 1 सेकंड के लिए छोड़ के फिर हमें इसको 3 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। और उसके बाद अगले टाइम हमारा ब्लिंक करने लग जाएगा, और उस यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर हमें इसको 3 से 5 सेकंड के लिए फिर से दबा के रखना है, और देख सकते हैं टाइम एडजस्ट हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।